कितनी जल्दी सो गई बे साला, यही तो गड़बड़ नहीं है, तो घटी है एकदम चकार। ए कॉपी 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 करता है, 3 घंटे बाद भी लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ रहता, वो फिर रहती ही भाई। स्टार्टिंग में जब ये सूखे हुए कपड़े उतार रही होती है तब ये वाला गेट बंद होता है और एक कपड़ा गलती से नीचे गिर जाता है, जिस कपड़े को जब ये नीचे लेने आ रही होती है तब भैया गेट तो खुला हुआ है। अभी दुपट्टे के बगल में डार्क ब्लू कलर के टी शर्ट जैसा कुछ टंगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल भाई ये क्या प्रकट हुआ पड़ा है, वो टी शर्ट कहाँ गया? ये दुपट्टा पूरा का पूरा जमीन पे गिरा था, लेकिन जब ये इसे नीचे लेने आई तब पता नहीं इसके नीचे ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। अभी ऊपर के एंगल से दिखाने पे हरे टी शर्ट और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है, लेकिन अगले ही पल नीचे के एंगल से दिखाने पे भाई बगल में आ जाती, बगल में। ये बाबा अपनी जगह खड़े खड़े लोटा से पानी फेंकता है, अरे पर आप देखो तो सही, ये खड़ा कहाँ है, मतलब भाई यहाँ बीच में ये खड़ा है और चारों तरफ लोग ही लोग खड़े हुए हैं, तो भाई पानी फेंका कहाँ इसने। अभी आसिफ इस ग्लास को अच्छा खासा हिला रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं हो रहा है और अंदर से कुछ भी नहीं गिर रहा है, लेकिन बाद में ग्लास को हल्का सा हिलाने से ग्लास के अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है और पूरा राख बाहर गिर जाता है। इसमें पानी है, ये देखो भाई लोटे में पानी था तो दीवार लाल कैसे हो गया। एक और करके लाता है मिठाई ऑरेंज, उसे दीवार पर बाबा ने पहले लिख दिया था कि मैं छुड़ा लूं, जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है तो लाल रंग बन जाता है, खून नहीं होता है वो। तो यहाँ पे आसिफ का कहना है कि एक केमिकल आता है जिससे बाबा ने पहले ही दीवार पे लिख दिया था मैं चुड़ैलू और इसीलिए वो लाल हो गया, यानी कि उस दीवार पे केमिकल था और उस पे पानी पड़ा इसीलिए वो लाल हो गया। लेकिन भाई इस दीवार पे थोड़ी ना कुछ केमिकल वगैरह था, ये दीवार क्यों लाल हो गया? अभी ये 2 स्टंप एक साथ पकड़ा हुआ है अगल बगल में, लेकिन अगले ही पल एक स्टंप गायब हो गया। यहाँ पे आसिफ 3 स्टंप्स को बैग में उल्टा रखता है, लेकिन जब घर जाके निकाल रहा होता है तब 3 स्टंप सीधे पड़े हुए हैं, 3 स्टंप तीनों। रश्मि अभी गेट के राइट में खड़ी है, लेकिन अगले ही पल गेट के लेफ्ट में आ जाती है। अभी 1 स्टंप आसिफ के हाथ में और 2 स्टंप बैग में रखे हुए हैं, लेकिन बाद में जब भी दूसरा स्टंप धोने के लिए उठा रहा होता है तब भाई ये तो जमीन से उठा रहा है। अच्छा ठीक, सो जाओ। क्यों हुआ क्या? कुछ नहीं, सो जाओ अब, ठीक है, सो जाओ। माजी ये बस अपने बहू से मिलके जा ही रही होती है और 5 सेकंड में वापस से रोने की आवाजें आती है, तो क्या इसकी बहू को नहीं आई रोने की आवाज? नहीं, चल ठीक है, पहले सोई होगी इसलिए पहले नहीं आई होगी आवाज, लेकिन अभी 5 सेकंड पहले तो अपनी सासू माँ से मिली है, ये 5 सेकंड में सो भी गई क्या वापस? कौन है? कौन रो रहा है? चल रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन इसकी सास की आवाज भी नहीं आई क्या? इसको कितनी जल्दी सो गई बे। भाई इस घर में लोग नींद की दवाई लेके सो जाते हैं क्या बे? मतलब इतनी जोर जोर से चिल्ला रही फिर भी कोई बाहर नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी सी रजाई इधर लटक रही है, लेकिन जब भग के वापस आती तब कुछ भी नहीं लटक रहा है, सब ऊपर ही है। और कितना ऊंचा बेड है भाई, मतलब इतनी बड़ी आंटी नीचे घुस गई फिर भी कितना ऊंचा है। मतलब जनरली इस टेबल और बेड की हाइट सेम ही होती है, लेकिन अब इस टेबल को देख के आप अंदाजा लगा लो कितना एक्स्ट्रा ही ऊंचा है। जिस तरह से आसिफ है और जैसे घूर रहे ना, अगर इन आंटियों की जगह मैं खड़ा होता तो एक बार के लिए मेरे को आसिफ पे ही डाउट चल देता कि साला यही तो गड़बड़ नहीं है। ये क्या स्टेप हुआ भाई, मतलब यहाँ पे तो कियारा भी सोच रही होगी कि ये स्टेप तो घटी है। मैं फिल्मी गाने गा सकता हूँ, माता की बेटी नहीं गा सकता। हाँ, पर फिल्में भी तो माता रानी बनाती है ना आसिफ। हैं? फिल्में माता रानी बनाती है? मेरे को तो लगता था डायरेक्टर बनाते, मैं तो गलत ही सोच रहा था अब तक। नारियल के ऊपर ये लाल बिंदी बनी हुई है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे के एंगल से दिखाने पे वो नीचे साइड में आ जाती है, और जब घूमना चालू होता ही है वो एकदम से वापस ऊपर भी आ जाता है। अभी कंधे पे कपड़ा कैसा रखा हुआ है देख लो, लेकिन अगले ही पल चोटी जैसा हो जाता है कपड़ा। अभी कप इधर गिरे और ट्रे इधर गिरा इन दोनों चेयर्स के बीच में, लेकिन अगले ही पल नीचे के एंगल से दिखाने पे जो इधर गिरा हुआ था ट्रे वो उधर चले गए। और भाई ये बच्चे लोग खेलना क्या चाह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये इधर चेस भी खेल के बैठी है, इधर ये लूडो भी खेल के बैठा है, दोनों जन मिलके कोई एक गेम खेलो ना यार। अभी इधर से पल्लू नीचे गिर चुका है, लेकिन अगले ही पल भैया पल्लू तो ऊपर है भाई। अभी रश्मि ने अपना हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वहां से हाथ गायब हो गया। अभी लड़की के पीछे कोई भी टेबल नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल सामने के एंगल से दिखाने पे प्रकट हो गया। वापस से पीछे के एंगल से दिखाने पे भैया टेबल गायब हो गया। जब लक्ष्मी इतनी सी थी तब के अब्दुल चाचा, और जब लक्ष्मी इतनी बड़ी हो गई है तब के अब्दुल चाचा। लगता है ये अनिल कपूर के बड़े वाले फैन है। अभी भाई ये चाकू को सीधा पकड़ी हुई है, यानी कि ये जो राउंडेड एरिया है वो अंदर की तरफ है इसके हाथों की तरफ, और जो प्लेन एरिया है वो बाहर की तरफ है, लेकिन जब ये इसको मारती है तो भाई जो राउंडेड वाला एरिया होता है वो बाहर की तरफ हो जाता है, प्लेन एरिया अंदर की तरफ हो जाता है। समझ गए ना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ए कॉपी 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 करता है, मतलब तुम कुंफू हसल का सीन कॉपी मार दोगे तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? अभी भाई ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है ना, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लक्ष्मी है, लेकिन एकदम से अगले ही पल सामने इन दोनों के आगे ये कहां से आ जाता है पता नहीं। वाह वाह, नहीं भाई ये क्यों अपने आप को मारे जा रही है भाई, क्यों मार रही है अपने आप को, मेरे को समझ नहीं आ रहा है।
नहीं मतलब यार यहाँ पे मूड उतर गया मेरा, मतलब जिस तरह से ये धोखे से लक्ष्मी को मारी थी, अगर लक्ष्मी इसको मारी होती ना सच्ची में लगता कि हाँ भाई अब बदला पूरा हुआ है। आसिफ वहां से यहां तक इतनी दूर जंप करके आया है, वाह वाह, मतलब यहां से लक्ष्मी की आत्मा निकल के क्या कृष की आत्मा घुस गई क्या बाद में? अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, और सबसे बड़ी मिस्टेक यानी सबसे बड़ा बोनस। तो यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर के अंदर नहीं जा पाती और ये मंदिर के अंदर जाके बैठ जाते हैं और एक तरह का टेंशन हो जाता है कि इसको बाहर कैसे निकाले, और लक्ष्मी काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन फाइनली वो अंदर नहीं जा पाती। फिर इसके बाद ये दिमाग लगाती है कि मैं अंदर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, आसिफ तो आ ही सकता है। लेकिन इससे भी अच्छा आइडिया मेरे पास था और मुझे लगा था कि शायद ये यही आइडिया को अपनाएगी जो मैं बताने वाला हूँ। भाई लक्ष्मी अंदर नहीं आ सकती लेकिन ये लोग तो अंदर आ ही सकते हैं ना भाई। मतलब चल ठीक है, आसिफ के अंदर लक्ष्मी की आत्मा है इसलिए ये दोनों अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन भाई ये पीछे जो लोग इतने सारे लोग खड़े हैं ये लोग तो अंदर जा ही सकते हैं ना। मतलब मैंने मूवीज और सीरियल अगर मैं देखा है कि जिसके अंदर आत्मा होती है, ससुराल सिमर का मैं देखा था, मैं वो अंदर नहीं जा पाती मंदिर के, लेकिन इन लोग के अंदर थोड़ी ना कोई आत्मा है। अगर इनमें से चार लोग भी अंदर जाएंगे तो 10 सेकंड में बाहर है बंदा, उसको उठा के बाहर ले आएंगे, और अगर 10-20 लोग चले गए लेने तो बंदा तो अंदर ही हार मान जाएगा। भैया बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि 3 घंटे में वो जाने वाली है, क्योंकि आपने प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं किया है ना। पहले प्रोसीजर क्या था वो ध्यान से सुनो आप। और पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द नृत्य करेंगे, उनके जाने के बाद उस किन्नर और उसके परिवार वालों की लाशों को उस जमीन से निकाल कर उस पवित्र अग्नि में जला देना, इससे अगली सुबह की पहली किरण के साथ उस किन्नर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ पे महाराज ने कहा था उस किन्नर यानी लक्ष्मी के पूरे परिवार की जो लाश है उसको उस पवित्र अग्नि में जला देना, और ये लोग वो काम करने जा भी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग पवित्र अग्नि में डाल रहे होते हैं वैसे ही लक्ष्मी सामने आ जाती है और ये लाश यहाँ साइड में छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि इन्होंने लाशों को अग्नि में डाला ही नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 3 घंटे बाद भी लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ रहता, वो फिर रहती ही। भाई तू बहुत बड़ी गलत फहमी में था। तो भैया यहीं पे समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये फटाके फूटे पड़े हैं और इसके बीच में मैंने वीडियो कैसे कैसे बनाए हैं मैं ही जानता हूँ भाई, दिमाग खराब हो गया था। और भाई 8 मिनट तक भी नहीं गई यार वीडियो, मतलब मैं 1 ऐड से ज़्यादा ऐड भी नहीं डाल पाऊंगा, शिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।